हेलो गाइस, स्वागत है तुम्हारे एक और न्यू वीडियो में। और भाई, तुम सबको तो पता ही है कि पबजी तो हो चुका है बैन, लेकिन यार अभी तक एक चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि यार आगे क्या होने वाला है। पबजी क्या अनबैन होगा नहीं होगा? तो यार इस वीडियो को पूरा देखो, मैं तुम्हें बताऊँगा यार पबजी अनबैन होगा या नहीं। क्योंकि यार देखो, सबसे पहली बात तो पबजी हो गया था बैन, ठीक है, रात 12 बजे, कितनी तारीख को हुआ था मेरे को याद नहीं ठीक से, बट हाँ बैन हो चुका था। और हाँ, साथ ही साथ दूसरा तीसरे दिन जो है प्ले स्टोर से गेम को हटा दिया गया था। लेकिन यार अभी तक, जैसा कि तुम देख रहे हो, कि तुम अभी भी गेम खेल पा रहे हो, ठीक है, अभी भी तुम गेम खेल पा रहे हो और बैन होने के बाद भी, यानी कि अभी तक जो है उनने आईपी ब्लॉक नहीं किया, यानी एक्सेस बंद नहीं की है अभी पबजी की। कि जो है अपन को जैसे देखा था आपने, टिकटॉक जो था, टिकटॉक एकदम से विलुप्त हो गया था, मतलब जैसे बैन हुआ अगले दिन ही उसकी एक्सेस बंद हो गई थी, मतलब एक्सेस कर ही नहीं सकते थे फिर कुछ भी, ठीक है। लेकिन उस तरीके से अभी पबजी नहीं हुआ है बैन, और अपन अभी भी मज़े ले पा रहे हैं, अपन अभी भी अपन खेल पा रहे हैं गेम को। तो यार आखिर इसकी एक्सेस कब बंद होगी, कब बैन होगा, कब अनबैन होगा? तो यार देखो, तो मैं अब सिंपल सी मैं बात बता देता हूँ कि यार देखो, बैन तो अभी खैर पूरी तरह से नहीं हुआ है, और अनबैन होने तक मैं बता रहा हूँ कम से कम 2 से 3 महीने लगने वाले हैं अगर अनबैन का जो पबजी है सोचता है। क्योंकि यार बहुत इतना आसान नहीं है जैसा कि आप सब बोल रहे थे, बहुत से लोग बोल रहे हैं कि बहुत आसान है, तो भाई इतना आसान नहीं है। पूरा जो गेम है डेवलप किया गया है पूरे टेंसेंट के अंदर, तो टेंसेंट अपने राइट्स इतने जल्दी तो छोड़ेगा नहीं। पूरा गेम जब डेवलप वहीं हुआ पूरे इंडिया के लिए, मतलब इंडिया के पूरे वर्ल्ड के लिए, जो सिर्फ कोरिया में पबजी खेला जाता था, फिर जब पूरे मतलब वर्ल्ड के अंदर प्रोवाइड करने की बारी है तो अब टेंसेंट ने लिया। तो टेंसेंट का 10% ज़रूर है, लेकिन यार पूरा गेम जो डेवलप हुआ है वो टेंसेंट के गेमिंग स्टूडियो में हुआ है, ठीक है। तो यार इतना आसान नहीं होता है किसी चीज़ को छोड़ना, मतलब वो इतनी आसानी से छोड़नी देंगे, उनका भी एक एग्रीमेंट होता है कि भाई कब उनका एग्रीमेंट खत्म होगा, कब जो कंपनी उनको दूसरी कंपनी जो है वापस लेगी उसको, ठीक है। तो यार अब देखने वाली बात ये है, फिलहाल तो यार इंडिया गवर्नमेंट ने तो जो है बैन कर दिया पबजी को, लेकिन यार पूरी तरह से पता नहीं कब बैन होगा। और एक्सेस वैसे भी जैसे कि आप देख पा रहे हो कि आप सिर्फ अभी प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से हटा दिया गया है, ओके, देन अभी भी लेकिन अपन एक्सेस कर पा रहे हैं, तो फिर फायदा क्या है भाई? जब पूरा बैन करो ना तो पूरा बैन करो ना, जितनी जल्दी बैन होगा उतनी जल्दी रिटर्न होगा। अब बैन भी नहीं हो रहा है, चल रहा है, तो भाई कब तक होगा? मेरे को खुद नहीं समझ आ रहा है कि मतलब यार कब तक चल रहा है, जब तक चल रहा है चलाने दो, लेकिन आगे कोई गारंटी नहीं है कब तक चलेगा। तो यार फिलहाल तो यार तुम लोग भी मज़े लो गेम के, और कब तक चलेगा भाई कुछ अता पता मेरे को भी नहीं है, बट हाँ जल्दी से एक्सेस रुकेगी तो जल्दी ही एक्सेस वापस आएगी। अभी एक्सेस हो पा रहा है इसलिए उनको पता नहीं चला, और ऊपर से देखा जाए तो अभी टेंसेंट की तरफ से भी, पबजी की तरफ से भी कोई भी रिप्लाई नहीं आ रहा है बैन को लेके। तो यार देखो यार आगे क्या ही होता है, ना टिकटॉक को लेकर कोई रिप्लाई आया था, ना बैन को पबजी बैन के लेके कोई रिप्लाई आया। तो यार ना इंडिया की तरफ से साफ साफ है कि 118 चाइनीज है बैन कर दिए, तो यार अपनी तरफ से तो साफ है, लेकिन अभी चाइनीज़ की तरफ से कुछ नहीं आया है। तो यार वेट करना है उनके आंसर का। तो यार फिलहाल तो यार अभी तो पबजी अनबैन के चांसेस, मतलब प्ले स्टोर के अंदर वापस आने के चांसेस 0% ही है फिलहाल। तो यार देखो, गेम जब तक चल रहा है चलाओ, आगे देखते हैं क्या होता है। तो यार आज की वीडियो में बस इतना ही था, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन प्रेस कर देना।